सब्जी मसाला जो हम बना रहे हैं वो बिल्कुल अलग का है। जो भी खाएगा एक बार वो कहेगा कि यार ये सब्जी मसाला है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों तक अच्छी चीज़ हम पहुंचा दें। आज हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको हमको प्रचारित करने की जरूरत नहीं है। जिस किसी ने भी हमारे मसाले अगर एक बार उसने उसका टेक्सचर ही देखा, सोचते हुए हैरान हो जाते कि ये मिर्ची के ये कलर कैसे जो है। देखिए, मसाले की दुनिया में यह है कि मेरे दिमाग में यह आया कि लोगों को अच्छी चीज़ दी जाए। और जैसे बचपन में हमारी दादी कूट के हमको नेचुरल चीज़ें खिलाती थी, यहाँ के मसाले जो हम खा रहे थे कोई स्वाद नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम यहाँ किसानों से संपर्क करें और देसी चीज़ें हम लोग पैदा करके और इसको बनाएँ और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जितने लोग खाएँ उनको अच्छा स्वाद भी मिले और अच्छी चीज़ हम लोगों तक के पहुंचा सकें। ये मेरा मकसद था, क्योंकि बचपन में जो चीज़ें खाते थे वो स्वाद और जो मुझे जायका मिलता था अब वो नहीं मिलता था। तो इसलिए मैंने ये किया है और इसको मैं कुटाई करके ही बना रहा हूँ। जितनी चीज़ें भी हो रही हैं सब कुटाई करके ही बना रहे हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। और इसकी आप खुशबू देखेंगे अलग होगी, इसका टेस्ट अलग होगा। और मैं साफ़ सफाई के साथ इसको बना रहा हूँ, एक एक चीज़ की ध्यान रख कर के, कि कोई केमिकल बेस ना हो, किसी तरह से कोई मिक्सिंग ना हो। इसलिए जो है अच्छा बेचेंगे, अच्छी चीज़ लोगों तक पहुंचाएंगे, मेरी कोशिश यही है। लखनऊ तो पूरी दुनिया में मशहूर है खाने के लिए, और जो जायका और जो टेस्ट यहाँ का है कहीं का नहीं है। मसाले से ही सब कुछ खुशबू आती है, मसाले से ही खाना बनता है। अगर मसाला आपका सही नहीं है तो खाने का कोई टेस्ट नहीं आपको मिलेगा। तो इसलिए हमने कोशिश ये की है कि जो चीज़ डाली जाए ओरिजिनल डाली जाए और अच्छे से अच्छी खुशबू दिया जाए। हमारा जो मीट मसाला बन रहा है वो यहाँ के जो अच्छे टॉप क्लास के बावर्ची थे, कई लोगों से मैंने मशवरा भी किया और उसके बाद मैंने करके इसको बनाया है। इसमें कई चीज़ें ऐसी डाली गई हैं मसालों में कि जो खुशबू बरकरार रहे, आदमी खाए उसके बाद भी हाथ से उसकी खुशबू ना जाए। मीट मसाला हमारा ऐसा है। सब्जी मसाला जो हम बना रहे हैं वो बिल्कुल अलग का है। जो भी खाएगा एक बार वो कहेगा कि यार ये सब्जी मसाला है, क्योंकि हम उसमें कोई चीज़ ऐसी कमाने के लिए नहीं डाल रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों तक अच्छी चीज़ हम पहुंचा दें, लोग खाएं और मेरे नाम को याद रखें कि हाँ यार ये चीज़ मुझे सही मिल रही है। मार्केट में तो तमाम मसाले हैं, तमाम तरह से लोग बना रहे हैं, लेकिन मैं एक अलग चीज़ मार्केट में अपनी ले जाना चाहता हूँ। सबका अच्छा रिस्पांस आ रहा है, सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। ऐसा तो मसाला हम लोग दादी के ज़माने में खाते थे, आज तो मिलता ही नहीं था मुझे। और देखते हैं वो कि ये कूट के बन रहा है, नेचुरल चीज़ है, सामने है, मिर्च हमारी है, सब कुटी हुई हैं, डंडियाँ उसकी साफ़ करके मैं कुटवाता हूँ, हल्दी मेरी है वो एकदम नेचुरल चीज़ें हैं, धनिया है साफ़ सुथरी करके मैं कराता हूँ। तो लोग देखते भी हैं कि यहाँ साफ सफाई है। जैसे जो मटेरियल है, किसान मुझसे जुड़े हुए हैं, वो लगाते हैं, लाके मुझे दे देते हैं। मार्केट से 2 रुपए हम उनको ज़्यादा देते हैं, उनको फ़ायदा है और आसानी से उनको यहाँ पे माल भी लाके दे देते हैं। मुझे पैसा भी मैं उनको आसानी से दे देता हूँ, तो वो भी खुश हैं। मुझे जो है इधर उधर नकली चीज़ें मिलती नहीं है, मार्केट से मुझे लाना नहीं पड़ता है, ओरिजिनल चीज़ें मुझे मिल रही हैं यहाँ पे किसानों से। और तमाम यहाँ के किसान हैं मेरे जुड़े हुए, पूरा इलाका जो है सब है। हल्दी यहाँ पे लगा लेते हैं वो लोग, मिर्च की भी खेती करते हैं। अब ऐसे मंडी में जाते थे उनको दिक्कतें आती थी, यहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लाके माल देते हैं, पैसा ले लेते हैं मुझसे। जो बाहर से मंगाना पड़ती है, जो चीज़ें यहाँ नहीं मिल पाती हैं, वो चीज़ें हम लाते हैं बाहर से। जो चीज़ें मुझे यहाँ किसानों से, स्थानीय किसानों से मिल जाती हैं, वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। किसान द्वारा तैयार किए गए ये उत्पाद जब सीधे कंज्यूमर के पास जाएँ
तो उसको एकदम जहर मुक्त जो है उत्पाद मिले और उसके जो है लाइफ में उसको ये पता चले। आज हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको हमको किसी तरह से प्रचारित करने की ज़रूरत नहीं है। जिस किसी ने भी हमारे मसाले अगर एक बार उसने वो जो है उसने केवल उसका टेक्सचर ही देखा तो वो मतलब सोचने को हैरान हो जाते हैं कि सोचते हुए हैरान हो जाते हैं कि ये मिर्ची के ये कलर कैसे जो है, ठीक है। या जो गरम मसाला है, गरम मसाले में ये फ्रेग्रेंस जो है वो शायद उन्होंने कभी उससे पहले फील नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों का मिश्रण लेके आ रहे हैं। एक तो आधुनिकता हमारी जो है जो पैकेजिंग है उसमें झलकती है और प्रोसेसिंग में हम जो हमारे दादी नानी के जो है या हमारे बड़े बुजुर्गों के जो थे आज से 50 साल पहले के या जो हमारे वैदिक काल से जो प्रोसेस जो चली आ रही थी हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि बड़े प्लांट में होता है कि पूरी की पूरी मिर्चा चली जाती है और वो जो है उसके साथ में कई बार तो ऐसा होता है, कुछ आप लोगों ने सुना भी होगा कि धनिया के साथ में धनिया का पूरा पौधा भी जो है पिस गया। तो इन चीज़ों को हम लोग जो है कोशिश करते हैं क्योंकि हम किसान हैं और जो है हम खुद भी हम वही उत्पाद बाज़ार में देना चाहते हैं जिस उत्पाद को खाते हुए हमको एक बार भी सोचना ना पड़े। हम ऐसा कोई भी उत्पाद बाज़ार में नहीं देना चाहते जिसको खाने से पहले एक बार भी सोचना पड़े। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे किसान भी हैं जो अपने खेत में करी हुई चीज़ों को खुद नहीं खा रहे हैं। बहुत सारे किसान ऐसे मिलेंगे जो अंगूर पैदा करते हैं देश के एक रीजन में, लेकिन वो अपने खाने के लिए वो अलग क्षेत्र में छोटे से क्षेत्रफल में वो करते हैं और जो कॉमर्शियल वो करते हैं उसको वो खुद नहीं कंज्यूम करते। ऐसी बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है। अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब आज की डेट में अपना गेहूं जो है वो दूसरे स्टेट्स में बेच करके अपने खाने के लिए यूपी बिहार और मध्य प्रदेश से प्रक्योर करता है। पंजाब अपना गेहूं आज की डेट में नहीं खा रहा है, वो यूपी बिहार और मध्य प्रदेश से लेके खा रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि जहर मुक्त जो भोजन जो है वो हम सीधे खेत से, किसान के खेत से और जो है आप लोगों की थाली तक हम पहुँचाएँ। मसालों में हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है। एक आपका जो भी मार्केट में स्पाइसेस किचन में आपके यूज़ होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं अपने पास। सब्ज़ी मसाला, मीट मसाला, गरम मसाला, किचन किंग मसाला और आपका बाकी हल्दी, धनिया, मिर्चा, ये सब आपका अवेलेबल रहता है। यहाँ पे हमारा प्रोसेस होता है और पर डे हमारा 15 टन माल यहाँ पे प्रोसेस होता है। और पैकेजिंग की बात करें अगर हम, तो पैकेजिंग हमारी लगभग 10,000 जार पर डे 100 ग्राम्स के यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं। और पैकेजिंग में हम पाउचेस भी बनाते हैं 10 रुपये के, 5 रुपये के, 50 ग्राम के, 100 ग्राम के, 200 ग्राम के, 500 ग्राम के और आपके 1 किलो के। ये आपका यहाँ पे पैकेजिंग भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है और बिना किसी मिलावट के प्योर हाइजीन तरीके से, हाइजीन का ख्याल रखते हुए यहाँ पे जितने भी हमारे वर्कर्स हैं सब इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई भी किसी तरीके का कोई वो इन्फेक्टेड कोई ना रहे। ग्लव्स पहनते हैं यहाँ पे सारे वर्कर्स हमारे, सारे वर्कर्स शू कवर पहन के आते हैं, सारे वर्कर्स हमारे जो है बिना मास्क के काम नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हम कि मार्केट में जो प्रोडक्ट जाए वो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक और हाइजीनिक हो, जो आप बेझिझक खुद यूज़ कर रहे हम उसको खुद यूज़ कर सकें बिना झिझक के, उस तरीके से हम उसको यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। मिलावट लोग बेसिकली क्या करते हैं, अपना उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए उसमें काफ़ी चीज़ों को अलग से अननेसेसरीली प्रोसेस कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। लाइक मिर्चे में वो आपका जो उसका डंडी रहता है वो पीस देते हैं उसका रेशियो कवर करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम प्योर फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की मिलावट नहीं रहती है। हम मिर्चे से उसकी डंडी को यहाँ पे सेपरेट करवाने का भी काम करते हैं, वो मिर्चे से उसकी डंडी सेपरेट करने के बाद में ही हमारे यहाँ प्रोसेस होता है
और धनिया में आपका लोग उसमें कई तरीके की जो है उसमें मिलावट करते हैं, उसका पाउडर और वो फूल और वो सब मिला के, तो यहाँ पे वो भी हम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो 100% प्योर ही तैयार हो, उसमें 1% की भी कोई मिलावट ना रहे।